हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका गणेश देवाड़ीगा, आज कुछ नए बस के साथ। आज हमारा बस है रेशमा ट्रैवल्स, मुंबई टू बैंगलोर के लिए बस ट्रैवल करता है। श्री दामोदर कोच का बॉडी बिल्डअप वाला बस है, अशोक लेलैंड कंपनी का चेसी है। आज देखेंगे हम इसका इंटरेस्टर इस वीडियो में। बस का फ्रंट व्यू की बात करते हैं, बंपर में दो फॉगलाइट दिया हुआ है, उसके ऊपर भी येलो कलर का लाइट्स ज़्यादा रात को रोशनी मिले करके। डुअल सेटअप एक इंडिकेटर के साथ हेडलाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव कोच वहाँ पे डी, दामोदर कंपनी का डी का लोगो। और फ्रंट व्यू की आप बात करें, लाइसेंस प्लेट देख सकते हैं आप येलो कलर में। www.reshmabus.com इनका वेबसाइट है, यहाँ से भी हम टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं, 5% डिस्काउंट रहेगा। 5 हाइट मार्क का लैम्प दिया हुआ है, बस का हाइट को दर्शाता है। फ्रंट व्यू की बात करें, काफ़ी शानदार लग रहा है बस का। बस की बैक साइड की बात करते हैं, 2 हाइट मार्क का लैम्प दिया हुआ है, बस का हाइट को दर्शाता है। रेड कलर का 3mm रिफ्लेक्टर टेप दिया हुआ है, RR करके लोगो इनका रेशमा ट्रैवल्स का। बस के बैक साइड में भी लाइसेंस प्लेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसके बाजू में रेड कलर का रिफ्लेक्टर टेप। टेल लाइट्स की बात करते हैं हम, राउंड शेप में टेल लाइट्स दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक साइड में इमरजेंसी एग्जिट है, आपातकालीन में जो भी प्रॉब्लम होता है इमरजेंसी हम यहाँ से आ सकते हैं। और दामोदर कंपनी का बॉडी बिल्डअप है, काफ़ी शानदार किया हुआ है बस को। बस के बैक साइड में श्री दामोदर कंपनी का बॉडी बिल्डअप वाला लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस के बैक साइड से बस का व्यू देखते हैं, काफ़ी शानदार लग रहा है बस रेशमा ट्रैवल्स। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से बस का व्यू देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं RR करके इनका बस का लोगो है येलो कलर में, छोटा सा फॉन्ट यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है रेशमा ट्रैवल्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रेशमा ट्रैवल्स का वेबसाइट है www.reshmabus.com इनका वेबसाइट है, यहाँ से भी टिकट हम आसानी से बुक कर सकते हैं। रेशमा ट्रैवल्स सारी बस को सेम फॉन्ट में लिखते हैं रेशमा करके, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है कलर का। बस के राइट हैंड साइड से बस का व्यू देख लेते हैं, काफ़ी शानदार लुक लग रहा है बस का। बस का जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा किया हुआ है, पीच कलर में और येलो कलर का फॉन्ट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सिंपल कलर कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बस का। इसका कैबिन व्यू देखते हैं, कैबिन के यहाँ पे वेलकम करके लिखा हुआ है। हमारे बस के कैप्टन के लिए सीट, यहाँ पे स्विच बटन दिया हुआ है अपर के साइड में, अपर के साइड में एक छोटा सा फैन और यहाँ पे भगवान का फोटोज अपर के साइड में। श्री दामोदर कंपनी ने बॉडी बिल्डअप किया हुआ है इस बस को, अशोक लेलैंड कंपनी का चेसी है। बस के अपर के साइड में कैप्टन को रेस्ट करने के लिए ऊपर सोफा दिया हुआ है। अपर के साइड में फैन है छोटा सा, लाइट्स हमें PVC शीट का जो सनमाइका का जो क्वालिटी यूज किया हुआ है काफी अच्छा है। और अपर के साइड में स्पीकर है, काफी अच्छा लुक लग रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड के यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति, स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं अशोक लेलैंड कंपनी का लोगो के साथ, काफी शानदार लग रहा है और शानदार लुक लग रहा है। और अशोक लेलैंड कंपनी और श्री दामोदर कंपनी का कॉम्बिनेशन में बना हुआ है बस है। और हम देख सकते हैं डैशबोर्ड की बात करते हैं, सिल्वर में डैशबोर्ड दिया हुआ है, सिल्वर कलर में डैशबोर्ड के यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति और स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी शानदार लुक लग रहा है। बस का कैबिन व्यू काफ़ी अच्छा किया हुआ है श्री दामोदर कंपनी ने। बस का इंटीरियर की बात करते हैं, नीचे की तरफ में रेड कलर का कारपेट है, शूज़ वगैरह रखने के लिए वहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। टू प्लस वन का कॉम्बिनेशन है। इनका इंटीरियर की बात करते हैं, काफ़ी क्लीन में और नीट में है। 2+ का सीटर का यहाँ का व्यू है, ग्लास के यहाँ पे कटन किया हुआ है, पीच कलर का ये कटन है। और मोबाइल को रखने के लिए भी रैक है। सोफ़ा की बात करते हैं, रेड कलर का सोफ़ा है, क्लीन में नीट में और सॉफ्ट है। और यहाँ पे भी हम शूज़ वगैरह या बैग्स वगैरह रखने के लिए भी रैक दिया हुआ है, बॉटल्स भी रख सकते हैं। पीछे हमें टेकने के लिए भी सीट्स दिया हुआ है। 1+ के यहाँ पर अपर के साइड का व्यू है, मोबाइल्स को रखने के लिए रैक, वहाँ पे छोटा सा लैम्प, इंडबिल हमें पिल्लो मिलेगा बस में जो सीट के यहाँ पे। रेड कलर का सोफ़ा है
और यहाँ पे भी छोटा सा रैक, बैग्स वगैरह हम बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। 2+1 का कॉम्बिनेशन है, नॉन एसी स्लीपर कोच है, मुंबई टू बैंगलोर के लिए बस ट्रैवल करता है, रेशमा ट्रैवल्स का 32 सीटर का बस है। मीरा रोड से 10:30 बजे निकलता है मॉर्निंग में। अगले दिन कालासिपालिया बैंगलोर में लास्ट स्टॉप है, ड्रॉपिंग टाइम है इनका 6:30 को। टोटल 90 आवर्स का जर्नी होता है और ये बस का लास्ट सीट का यहाँ का व्यू है। लास्ट में कर्टन है, बैक साइड में हमें टेकने के लिए सीट्स दिया हुआ है, मोबाइल को रखने के लिए रैक है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, छोटा सा लैम्प भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सीट्स की बात करते हैं, रेड कलर का कारपेट में सीट्स है, काफ़ी क्लीन में और नीट में है। काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डअप किया हुआ है श्री दामोदर कंपनी ने। ये बस का बैक साइड का यहाँ का सीट, सिंगल सीटर का यहाँ के लास्ट सीट का व्यू है। काफी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है श्री दामोदर कंपनी ने। 2+1 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, नॉन एसी स्लीपर कोच है। ये लोअर सीटर का यहाँ का व्यू है, सिंगल सीटर, और यहाँ पे 2+1 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है, आपातकाल में जो प्रॉब्लम होता है हम यहाँ से आ सकते हैं। स्टेज दिया हुआ है स्टील्स का, आसानी से हम अपर के साइड में जा सकते हैं। मुंबई टू मैंगलोर के लिए, बैंगलोर के लिए बस ट्रैवल करता है, 1600 बस का कॉस्ट है। अपर के साइड की बात करते हैं, PVC शीट्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, लाइट से स्पीकर से काफ़ी अच्छा इंटीरियर लग रहा है रेशमा ट्रैवल्स का। सीट्स की बात करते हैं, 1600 बस का सीट्स का प्राइस है। मुंबई टू बैंगलोर के लिए बस ट्रैवल करता है, कंफर्ट है, काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छा है। लोअर लेवल के यहाँ के सीट्स का व्यूज देख लेते हैं, फ्रंट सीट के यहाँ का। बैक साइड में हमें टिकने के लिए सोफ़ा दिया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है इनका सोफ़ा की बात करते हैं। रेड कलर का उसमें कवर्स है, इनबिल्ट पिलो दिया हुआ है। स्टेयर्स की बात करते हैं, हम आसानी से अपर के साइड में जा सकते हैं, स्टील्स के स्टेयर्स दिया हुआ है। लोअर लेवल का इधर का सिंगल सीटर का व्यू है, ग्लास को भी कटन किया हुआ है पिंक कलर में। बस की बात करते हैं, मुंबई टू बैंगलोर के लिए बस ट्रैवल करता है, 1600 बस का कॉस्ट है, कंफर्ट है, 2+1 का कॉम्बिनेशन है, नॉन एसी स्लीपर कोच है। बस के एंट्रेंस में डोर्स के यहाँ पे वेलकम टू RR परिश्मा ट्रेवल्स। बस के कैप्टन है रियाज बादशाह जी। सर कितने साल से एक्सपीरियंस है सर? हमारे को 91 से सर। 91 से है क्या? और रेशमा में ही काम कर रहे हो सर? रेशमा से ही, रेशमा ही है। और इसके पहले मतलब 21 इयर्स मतलब जब से बस आप? कुछ भी नहीं, भगवान की तरफ से ऐसा ही चल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ हाँ, और माँ बाप का दुआ है। ओके, ऐसा ही चल रहा है बस, ऊपर वाले की मेहरबानी है। ओके ओके सर, ओके। और ये बस किधर? मुंबई टू बैंगलोर, बैंगलोर के लिए ना? ठीक है, कितना सीटर का बस है सर? 30 सीटर का बस है, नॉन एसी स्लीपर है। और बस कौन सा? मतलब अशोक लेलैंड कंपनी। अशोक लेलैंड कंपनी। और बॉडी बिल्डअप सर इसका? इसका बॉडी बिल्डर इसमें बनता है, एसी कुछ नहीं बना है ना इसका बॉडी बिल्डअप। ठीक है सर, कितना इसका गियर? मैनुअल गियर है ना इसका? मैनुअल है ना? कितना? 6 गियर। 6 गियर है ना? ठीक है, ठीक है सर। आपने वीडियो बनाने को देने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू फर्स्ट सर। यस, स्पेशली थैंक्स टू रेशमा ट्रैवल्स एंड टीम। मेरा 4th वीडियो था आपके साथ, मैंने 2 जर्नी किया था आपके साथ रेशमा ट्रैवल्स में, और ये मेरा इंटीरियर एक्सटीरियर बैंगलोर वाला बस का 2nd वीडियो है, नॉन एसी स्लीपर कोच का। और चलो दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए कोच के साथ, नए बस के साथ। चलो टेक केयर, बाय।